नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्किटेक में। टेक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज मैं आपसे इंटेक्स के नए बजट स्मार्टफोन एक्वा लाइंस T1 लाइट के बारे में बात करने वाला हूं। इंडिया की कंपनी इंटेक्स ने लाइंस सीरीज का नया बजट स्मार्टफोन एक्वा लाइंस T1 लाइट लॉन्च किया है। इस फोन की कीमत 4,449 रुपए रखी गई है। स्मार्टफोन को स्लीक लुक देने के साथ इसमें 2.5D कर्व ग्लास का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा फोन 1GB रैम और 8GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसे आप 64GB तक बढ़ा सकते हैं। इसमें 1.3 GHz का क्वाड कोर 64-bit मीडिया टेक चिपसेट दिया गया है, जो एंड्रॉइड 7.0 ऑपरेटिंग सिस्टम नूगा पर चलता है। कंपनी ने दावा किया है कि इस प्रोसेसर की दम पर आप हाई एंड गेम के अलावा वीडियो और मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। फोटोग्राफी की बात करें तो एक्वा लाइंस T1 लाइट में 5 MP का रियर कैमरा दिया गया है। वहीं साथ ही वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए फोन में 2 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। डुअल सिम फीचर वाले इस फोन में पावर बैकअप के लिए 2200 mAh की ली आयन बैटरी दी गई है, जिसका कंपनी ने 5 से 6 घंटे चलने का दावा किया है और बताया गया है कि इसका स्टैंड बाई टाइम 8 से 10 दिनों का है। इसके अलावा स्मार्टफोन इंटेक्स वैल्यू एडेड सर्विस के साथ आएगा, जिसमें स्मार्टफोन LFTY यानी सिंगल स्वाइप एक्सेस डेटा बैक और प्राइम वीडियो को सपोर्ट करता है। डेटा बैक के जरिए दावा किया गया है कि आप हर महीने 500 MB तक डेटा बचा सकते हैं, और इसी के साथ प्राइम वीडियो के लिए बताया गया है कि इसके जरिए आप अपनी मनपसंद की वीडियो मूवी डाउनलोड कर पाएंगे। फोन में मातृभाषा सेवा भी है, जो हिंदी समेत 21 क्षेत्रीय भाषाओं को सपोर्ट करती है। इसके अलावा फोन रॉयल ब्लैक, स्टील ग्रे और सैपन कलर ऑप्शन में मिलेगा। दोस्तों फोन की स्पेसिफिकेशन को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस फोन की सीधी टक्कर Xiaomi Redmi 5A के 2GB रैम वाले वेरिएंट से होगी, जिसकी कीमत 4,999 रुपए है। दोस्तों ये फोन आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। ऐसी ही टेक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।